वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए 26 अक्टूबर की रात को टीम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस टीम में इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को चुना गया है। तो वहीं टीम से धोनी का नाम बाहर किया जाना हर किसी के लिए चौंकाने वाली बात थी, लेकिन T20 के धुरंधर धोनी को T20 से बाहर किए जाने के फैसले को BCCI की भविष्य की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में जब BCCI की बैठक हुई थी तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी 2019 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो अगले साल इंग्लैंड में होने जा रहा है, यानी उनका वर्ल्ड कप खेलना तय माना जा रहा है। ऐसे में T20 सीरीज से धोनी को बाहर किया जाना वर्ल्ड कप की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम में शामिल किए गए कार्तिक और पंत को धोनी के बैकअप के रूप में तैयार किया जा रहा है। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने धोनी को बाहर किए जाने पर खुद कहा कि इसे धोनी के T20 करियर का अंत नहीं माना जाए। टीम मैनेजमेंट विकेट कीपिंग के लिए मौजूद विकल्पों को मजबूत करना चाहता है, इसी वजह से 6 T20 के लिए ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को चुना गया है। वरिष्ठ खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार ने BCCI के इस फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि T20 में धोनी के नहीं चुने जाने का मतलब है कि 2019 का वर्ल्ड कप धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप है, ये स्पष्ट है। उम्मीद है वह इसे जीतेंगे और लॉर्ड्स की बालकनी पर जश्न मनाएंगे। धोनी के रिकॉर्ड की बात करें तो 329 वनडे खेल चुके माही 10,143 रन बना चुके हैं, तो वहीं 93 T20 मैचों में 1,487 रन बना चुके हैं। वहीं विकेट के पीछे धोनी 420 शिकार कर चुके हैं, इसमें 307 कैच और 113 स्टंपिंग शामिल हैं।